हेलो गाइस, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मज़ेदार नुस्खा बताऊंगा जो कि आपके घर में जो मच्छर है वो सिर्फ ये मोमबत्ती जलाने से भाग जाएंगे। तो आपने मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कभी ना कभी इस तरह का ये जो लिक्विड या ये जो कोयल आती है इसका आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। ये जो हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं उसको ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, मैंने कई वीडियो में भी बताया है। तो आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल तरीका बताऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सस्ता होगा, जिनसे आपके घर के जो सारे मच्छर हैं वो आसानी से चुटकियों में भाग जाएंगे। आपको केवल 1 से 2 घंटे ही अपने घर में रात को ये जो मोमबत्ती है वो जलाकर रख देनी है। तो चलिए आइए बिना टाइम गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हम दिया जलाने में जो कपूर का यूज़ करते हैं वो आप इस तरह का कपूर ले लीजिए। आपको कुछ यहाँ 5 से 6 टिकिया कपूर की यहाँ पे ले लेनी है और इसको आप कपूर को अच्छे से चूर कर दीजिए ताकि इसका एक सही से और अच्छी तरह से पाउडर बन जाए। तो हमने यहाँ एक कपूर का एक अच्छी तरह से पाउडर तैयार कर लिया है। दोस्तों आप ये नुस्खा अगर एक बार यूज़ करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, इतना अच्छा फ़ायदा देता है, मच्छरों को बिल्कुल घर के अंदर आने ही नहीं देता। फिर आपको लगभग इसमें आधा चम्मच जितना ये जो नीम का ऑयल है वो आपको इसमें ऐड करना है। नीम का ऑयल, अगर आपको नहीं पता कि नीम का ऑयल किस प्रकार से बनाना है तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो लगभग हम इसमें आधा चम्मच जितना नीम का ऑयल डाल देंगे। यहाँ मैंने नीम का ऑयल बना के इस तरह की डिब्बी में स्टोर करके रख लिया था। अब आपको क्या करना है, मोमबत्ती को इसमें दोस्तों मेल्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से पूरी प्रोसेस रहेगी। तो आप चाहे तो इसको गैस पे भी इसको अच्छी तरह से पिघला सकते हैं और किसी तरह से अगर आप इसको पिघलाना चाह रहे हैं डबल बॉयलर की मदद से तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ गर्म गन का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मोमबत्ती है वो धीरे धीरे यहाँ पे पिघलने लगी है। आपको ये जो पूरी मोमबत्ती है वो इसमें पिघला के ऐड कर देनी है। तो ये देखिए लगभग हमारी ये मोमबत्ती पिघल गई है। अब जहाँ भी गर्म है तभी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जल्दी से, वरना ये फिर से फ्रीज हो जाएगी। तो आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और ये जो धागा है वो आप धागा इसे यूं ही रहने दें ताकि आपको ये मोमबत्ती जलाने में अच्छी तरह से काम आए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये जो इसमें जो मोम पिघलेगी वो इसमें ही जाएगी। तो आप, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको इसको किस तरह से हर रोज डेली यूज़ करना है। तो आप इस तरह से इसको पिघला के आप इसको अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए तब तक इसको छोड़ दे। तो अब ये जो मोमबत्ती है वो 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगी। फिर आपको रात को सोने से पहले अपने जो यहाँ ये जो बनाई है मोमबत्ती अपने हाथों से पिघला कर दूसरी तरह से नेचुरल तरीके से, तो आपको लगभग अपने घर में रात को सोने से पहले 2 घंटे तक इसको जलाए रखना है। बाद में अगर आप इसको बुझा देंगे तो भी चलेगा। इसकी वजह से जो मच्छर है वो पूरी तरह से भाग जाएंगे। इसमें हमने मिलाया हुआ है कपूर। कपूर और जो नीम का ऑयल होता है, तेल होता है, दोनों जब साथ में मिलते हैं तो मच्छर को जो स्मेल आती है वो इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से ये जो मच्छर है वो आपके घर के आसपास भी नहीं आ सकते। अगर आपको लगे कि जब आप ये जलाते हैं तब आपको कपूर की स्मेल नहीं आती तो आप इसको फिर से थोड़ा सा पिघला के उसमें 8 से 10 टिकिया कपूर और नीम का तेल डाल के आप रेगुलर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नुस्खा आज का हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।